नेक्स्ट जो मैं सब मैच करके क्रिएट कर सकते हो ऑफ कोर्स वो है ये बड़ा फेक सा ओ ओके बट मेक श्योर कि वीडियो चलाने से पहले मतलब आगे जाने से पहले हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हाय एवरीवन वेलकम बैक हियर मैं हूं पूजा और आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि कैसे क्रिएट करना है ये वाला मेकअप लुक जो कि काफी ज्यादा इजी है और बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है और आप इजीली इसे अपने रक्षाबंधन के आउटफिट के साथ मैच करके वेयर कर सकते हैं बट वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर ये वीडियो पसंद आए और समझ आए कि मैंने कैसे सिखाया है तो इस वीडियो को एक थम्स अप भी दे दीजिएगा एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो तो सबसे पहले करेंगे स्किन को प्रिपेयर क्योंकि जब तक स्किन अच्छे से हाइड्रेट नहीं होगी तो मेकअप अच्छा नहीं रहेगा और मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज कर रही हूँ ये वाला मॉइस्चराइजर तो सबसे पहले जो फाउंडेशन मैं यूज करी हूँ वो है ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन और ये शेड है नेचुरल बफ 230 इसको सबसे पहले अच्छे से इवनली आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है डॉट्स में सो आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट इनटू माय स्किन जितना भी टाइम लगे आप लगाइए लेकिन इसको अच्छे से अपनी स्किन पे ब्लेंड कर लीजिए क्योंकि अगर ये स्किन पे ढंग से ब्लेंड नहीं होगी तो थोड़ी देर बाद ये पैची लगने लगेगी जिससे पूरा मेकअप खराब लगेगा ओके नाउ अब इसके बाद मैं यूज करी हूँ ये एले गर्ल का कंसीलर और इसका शेड है मीडियम बेज ये आपको उन्हीं एरियाज पे अप्लाई करना है जहां पे आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क है मुझे जो है डार्क सर्कल्स हैं तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है बट अगर आपको डार्क सर्कल नहीं है तो आप ये स्टेप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने अंडर आई पे और थोड़ा सा अपने लिप्स के पास तो अब इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं नेक्स्ट यूज करी हूँ ये एक और कंसीलर जो कि मेबलिन का ही है फिट मी रेंज का और ये शेड है 10 लाइट ये मैं लाइट कंसीलर सिर्फ उन एरियाज पर अप्लाई करूंगी जिन एरिया को मुझे हाईलाइट करना है जैसे कि मेरा नोज मेरा फॉरहेड ठीक है थोड़ा सा चिन का पार्ट और बेसिकली थोड़ा अंडर आई का एरिया बस उन्हीं एरियाज पर अप्लाई करना है तो नाउ माई बेस इज ऑल सेट और अब इसके बाद मैं यूज करी हूँ ये ब्रॉन्जिंग पाउडर शुगर का इसका शेड है 01 टेप टॉपर जो कॉन्टोरिंग है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा तो उसमें इतना टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ ब्रॉन्जिंग से ही कॉन्टोरिंग वाली चीज कर सकते हो उससे तो अच्छा इफेक्ट आ जाएगा तो इसे मैं यूज करने वाली हूँ अपने फॉरहेड पे साइड में बिल्कुल और थोड़ा सा मेरी नोज की साइड पे यहाँ पे नोज की साइड पे थोड़ा और मेरे चीक्स पर भी थोड़ा सा तो मैंने कॉम्पैक्ट यूज करी हूँ वो भी है मेबलिन फिटमी की रेंज का अब इस कॉम्पैक्ट को मैं अपने पूरे फेस पे यूज नहीं करने वाली क्योंकि जो फाउंडेशन मैंने यूज करी थी वो ऑलरेडी मैट है तो इस कॉम्पैक्ट को मैं यूज करूंगी सिर्फ अपने अंडर आई एरिया पे ताकि जो कंसीलर और फाउंडेशन मैंने लगाया था वो क्रीज ना करे And that's it. Okay, next मैं use करी हूँ ये blush palette from NYX और इसमें से मैं दो colors mix करके लगाऊंगी एक ये brown और एक ये थोड़ा सा peach सा color और मैं इसे भी bronzing brush से ही apply करने वाली हूँ because मुझे अभी मेरा blush brush मिल नहीं रहा है कि पता नहीं कहाँ चला गया है And I'll apply this on the apple of my cheeks. Moving to the eye section. अब आँखों के लिए आपको ऐसा कुछ भी major या ऐसा कुछ technical नहीं करना है बहुत ही simple सी trick है और बहुत ही प्यारी लगेंगी उससे eyes. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कोई भी neutral या basic सा color use करना है अपने eyelids के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे use कर रही हूँ ये copperish color, LA colors का palette है ये और मैं ये color use कर रही हूँ और इसे मैं अपने eyelids पर apply कर लूँगी पूरा अपनी fingers की help से कुछ ऐसे technical नहीं करना है आपको तो इसे दोनों आईलेट्स पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको अप्लाई करना है लाइनर और लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये नायका का विंग आईलाइनर इसकी अच्छी बात ये है कि इसके जो एक हैंड है इस पे विंग है तो इजीली विंग क्रिएट हो जाता है इस तरीके से मैं तो
इस तरीके से मैं इस लाइनर को अप्लाई कर लूंगी और जो इसका इनर पार्ट है वो इससे फिल कर लूंगी। आईलाइनर ऐसे अप्लाई करने के बाद नाउ कम्स द मेन पार्ट। आपको क्या करना है, कोई भी डार्क कलर का आई शेडो लेना है आपकी जो ड्रेसेस हर मैचिंग हो। जैसे कि अगर ब्लू कलर की ड्रेस है तो ब्लू कलर का लाइनर ले सकती हो, ग्रीन है तो ग्रीन ले सकती हो, बट वो डार्क कलर का होना चाहिए। तो मैंने व्हाइट टॉप पहना है, सब कोई भी जाएगा। तो इसी साथ मैं यूज कर रही हूँ ये इस पैलेट में से मू पर्पल शेड, ये यूज करूंगी मैं। और आपको क्या करना है, ऐसा कोई पतला सा ब्रश लेना है जो आगे से पतला हो, उस पर आप ये कलर लेंगे और अपने वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे। इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। आप चाहें तो काजल भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि फिर आप उसे अच्छे से स्मज करिएगा। And lastly, to highlight my face, I am using this Revolutions blush palette. You guys know I always use this. I totally recommend this. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा highlighter है। वैसे तो ज़्यादा highlighter की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे पैसे मिलेंगे, face अपने आप glow कर रहा होगा। So, but yeah, पहले थोड़ा सा apply कर लो। So, I'm gonna apply this on my nose and थोड़ा सा मेरे cheeks पर। शिट, मेरे टॉप पे लग गया। सो जो लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ वो है ये शुगर की लिपस्टिक इन शेड एले वुड्स। एक्चुअली मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, मुझे बिल्कुल लास्ट में आ गया जब मैंने फोटोज वगैरह भी क्लिक कर ली कि शिट यार मस्कारा तो लगाया ही। तो डन, मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है और मेरी आईज और ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी है, एटलीस्ट मुझे तो लग रही है। That's it for the final look and the video. I hope आपको ये easy लगा होगा और मैं अच्छे से explain कर पाई होंगी। काफ़ी easy और wearable look है ये, easily आप इसको wear कर सकते हो, रक्षाबंधन या कोई छोटी मोटी parties या events होते हैं आप easily इसको create कर सकते हैं। And ऐसी videos और देखने के लिए please subscribe to my channel and thank you for watching. Bye.